तो आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। 9 जनवरी तक जयपुर निगम क्षेत्र में 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। अन्य जिलों में कलेक्टर लेंगे बंद करने का फैसला। तो स्कूल को लेकर ये फैसला लिया गया है, 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। 9 जनवरी तक जयपुर निगम क्षेत्र में 8वीं तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नए SOP जारी कर दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए ये लहर, तीसरी लहर या कोरोना खतरनाक न साबित हो, ऐसे में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि 9 जनवरी तक जयपुर निगम क्षेत्र में 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन अन्य जिलों में क्या स्थिति है, कैसी कोरोना की स्थिति है, उसको देखते हुए जो कलेक्टर होंगे वो बंद करने का फैसला लेंगे। लेकिन जयपुर की बात करें तो 9 जनवरी तक बंद किए गए हैं स्कूल, 8वीं तक स्कूल बंद किए गए हैं। और इसी के साथ, क्योंकि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कल से शुरू हो रहा है, ऐसे में ये फैसला लिया गया कि जो उससे छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, और इसी के चलते 8वीं तक के स्कूल जो है उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन बाकी जिलों में कोरोना की स्थिति क्या है, कितने वहां पर मरीज आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर प्रबंधन है, इन तमाम चीजों को देखते हुए कलेक्टर जो है वो स्कूलों को बंद करने का फैसला लेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जब आज मीटिंग ले रहे थे, और इस मीटिंग में जो धर्म गुरु थे वो भी जुड़े थे, एक्टिविस्ट थे जो वो भी जुड़े थे, NGOs जुड़े थे, ऑफिसर्स थे पुलिस से, तब ऐसे में ये समझा जा रहा था कि आने वाले समय में जो गाइडलाइन है वो जारी होगी, और ये गाइडलाइन जो है वो जारी हो गई है। और आपको बता दें, वैक्सीनेशन की अनिवार्यता की गई है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है उनमें कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम देखी जा रही है। तो ये तमाम आपको गाइडलाइन के बारे में भी बताते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन जो है वो रखी गई है, क्योंकि 8वीं तक के स्कूल तो बंद किए ही गए हैं। इसके अलावा शादी समारोह में 100 लोग ही जा सकेंगे, यानी कि अब लिमिटेशन कर दी है। नई गाइडलाइन जारी हो गई है, और नई गाइडलाइन आपको वर्ड टू वर्ड हम बताएंगे कि क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, क्या सरकार ने नई SOP जारी की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज शाम को जब बैठक ली उसके बाद ही ये साफ कर दिया था कि आज नई गाइडलाइन जारी होगी। और सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या क्या गाइडलाइन में फैसले लिए गए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? नरेश, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए नरेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो गाइडलाइन है राजस्थान में आने वाले यात्रियों के संबंध में भी गाइडलाइन जारी की गई है। विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है तो RT-PCR जांच होगी, और एयरपोर्ट पर ही जो कोविड टीम है वो इसकी RT-PCR जांच करेगी, और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन के माध्यम से अगर यात्रा कर राजस्थान में आ रहे हैं यात्री, तो डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपके पास या तो दोनों आपके जो वैक्सीनेशन हुए हैं वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अनिवार्य आप लेके आ सकते हैं, RT-PCR रिपोर्ट लेके आ सकते हैं। नरेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नरेश, कोविड गाइडलाइन नई जारी हो गई है, क्या कुछ ये गाइडलाइन? बिल्कुल, देखिए आज जो 3 घंटे की मैराथन बैठक थी, उस बैठक में जो तमाम चाहे धर्म गुरु हो, राजनीतिक दल है, विभिन्न NGO है, अन्य संस्था के प्रतिनिधि है, उनसे बातचीत करके उनकी राय लेने के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो खास करके जयपुर में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है, तो जयपुर नगर निगम क्षेत्र के जितने भी स्कूल है उसमें कक्षा 8 से लेकर 8वीं तक जो स्कूलें हैं अभी 9 जनवरी तक बंद रहेगी, स्कूलें अभी नहीं खुलेगी। क्योंकि देखिए 43 दिन का चल रहा था और कल से स्कूलें खुलनी थी,
तो फिलहाल 8 कक्षा तक की जो स्कूलें हैं वो 9 जनवरी तक बंद रहेगी, और जो अन्य जिले हैं राज्य के उनमें वहाँ के जो कलेक्टर है या जो शिक्षा अधिकारी है आपस में चर्चा करके और वहाँ किस तरह की स्थिति है उसके आधार पर फैसला ले सकेंगे। और साथ में अगर हम बात करें कि जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय है उनमें ये कहा गया है कि 18 वर्ष से आयु वर्ष के तमाम जो छात्र है वे डबल डोज ले, और जो जिस बात दो और जो दो दिन महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी हम चर्चा करें, क्योंकि स्कूलों के लिए जयपुर के लिए फैसला हुआ है, राज्य के अन्य जिलों में वहाँ के कलेक्टर शिक्षा अधिकारी वो फैसला ले सकते हैं कि उनको स्कूलों को किस तरह से रखना है। और जहाँ पे स्कूलों में बच्चे आएंगे बड़ी क्लास की अगर बात करें या अन्य जिलों की बात करें तो उन बच्चों के पेरेंट्स को पहले लिखित में देना होगा कि वो सहमत है स्कूल भेजने के लिए। एक जो विवाह समारोह को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा कर रही थी तो उनकी संख्या सीमित कर दी है, 100 से ज्यादा व्यक्ति विवाह समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, हालांकि इनमें जो बैंड बाजा वादक है वो इस संख्या से अलग रहेंगे, वो इसमें शामिल नहीं है। और विवाह समारोह के लिए भी जो कहे कि पूरी जो पोर्टल है उस पर पूरी जानकारी देनी होगी, विवाह की साथ में जो व्यक्ति है उनकी निगरानी भी करानी होगी कि जो पूरी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करे। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अंत्येष्टि के अंतिम संस्कार से संबंधित है, इनमें अब जो संख्या है वो 20 सीमित कर दी है, ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। साथ में किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक सामाजिक राजनीतिक या खेल कूद संबंधी या मनोरंजन है, शैक्षणिक है या कोई धार्मिक समारोह है, सभा है, रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस या कोई भी मेला, इसमें 100 से ज्यादा व्यक्तियों को सम्मिलित होने की इजाजत नहीं मिलेगी, यानी इनकी जो सीमा है वो 100 कर दी गई है। चलिए तो ये जो सीमा है वो एक लिमिटेशन बना दी गई है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि धार्मिक स्थलों को लेकर ये संशय था कि क्या अब धार्मिक स्थल खुलेंगे या फिर नहीं खुलेंगे, क्या कुछ रहेगा, नई गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें धार्मिक स्थलों को लेकर भी जानकारी दी गई है। देखिए फिलहाल तो मेगा जो धार्मिक स्थल है उनको सरकार ने बंद नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन गाइडलाइंस में ये निर्देश जरूर दिए गए हैं कि जो डबल वैक्सीनेशन का रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो आज की गाइडलाइंस है इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गाइडलाइंस में एक बार फिर से जो कोरोना की सेकेंड वेव थी उस समय की याद दिला दी है, क्योंकि बहुत कड़ी गाइडलाइंस इसको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। और जो अंत्योष्टि में 20 लोगों के ही शामिल होने का फैसला है मेगा, ये जब दूसरी लहर पीक पे थी उस समय भी संख्या 20 थी, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किस स्तर पर सख्ती की है कि किसी भी अंतिम संस्कार में अब 20 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार समझ रही है कि अब सख्ती के अलावा कोई दूसरा विकल्प उनके पास है नहीं, खासकर आज जिस तरीके से केस बढ़े हैं, चाहे वो जयपुर में बढ़े हों या पूरे राजस्थान में बढ़े हों, तो ये लग गया है कि अब जो सख्ती है वो बहुत जरूरी है, बिना सख्ती के काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर ट्रेन से कोई राजस्थान में यात्रा कर रहा है, प्लेन से कोई राजस्थान में यात्रा कर रहा है मेगा, तो उसको या तो अपना डबल डोज का वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा या उसको अपनी 72 घंटे पूर्व में कराई गई रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सड़क मार्ग से जो लोग राजस्थान में आ रहे हैं उनके लिए ना तो अभी रिपोर्ट दिखाना जरूरी है और ना उनको डबल वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। एक बार फिर दर्शकों की सुविधा के लिए मैं उनको बता दूं कि जो वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र और कोरोना की रिपोर्ट दिखानी है वो उन्हीं लोगों को दिखानी है जो ट्रेन से और हवाई मार्ग से राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम है उसकी सीमा में आने वाले तमाम जो स्कूल हैं वो 1 से 8वीं तक के वो 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे। विवाह समारोह में जो संख्या थी वो 100 कर दी गई है मेगा। अभी 3-4 दिन पहले जब गाइडलाइंस आई थी तब उस संख्या को 200 किया गया था, लेकिन जिस तरीके से अब केस बढ़े हैं तो अभी उसको कर दिया गया है 100, यानी अब 100 लोगों से ज्यादा लोग विवाह समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी खबर परेशान करने वाली है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो मैरिज गार्डन वाले लोग हों, चाहे वो कैटरिंग वाले लोग हों, लेकिन सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं जिस तरीके से
जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैरिज गार्डनों को ये कहा गया है कि अगर वो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो 7 दिन के लिए उनके मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा। एक और गाइडलाइंस में महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो विवाह का आयोजन करता है उसको अपने कार्यक्रम की अनिवार्य वीडियोग्राफी करवानी पड़ेगी, और जब भी संबंधित SDM या कोई और अधिकारी उनसे वीडियोग्राफी मांगेंगे तो उनको वो वीडियोग्राफी उस अधिकारी को देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो देखिए, अगर दुकानों की, क्लब या जिम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है कि कितने जो लोग हैं वहाँ रेस्टोरेंट में, जिम में आ सकते हैं, क्लब में आ सकते हैं? नहीं, इस तरह की अभी कोई पाबंदी नहीं है। रेस्टोरेंट और क्लब में पहले की तरह जितने लोग थे वो आ सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं मेगा, उनमें संख्या बढ़ा दी गई है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, इस तरह के जो कार्यक्रम है इसमें 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं, और वो पहले बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी जो संबंधित जो वेबसाइट बताई है। तो मोटी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने कड़ा मैसेज दे दिया है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जयपुर समेत पूरे प्रदेश में संख्या बढ़ रही है, और उनके पास अब सख्ती करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प फिलहाल नहीं है, क्योंकि लोग बिना सख्ती के सरकार का जो मैसेज है उसको समझ नहीं रहे। हमने देखा है कि नए साल का जश्न मनाने भी लोग बड़ी संख्या में निकले, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, किसी ने मास्क नहीं लगाया, तो मजबूरन सरकार ने कड़ी गाइडलाइंस निकाली है, और उम्मीद है कि अगर इसका पालन सही से हुआ जिलों में और हर ग्रामीण इलाकों में तो कोरोना के केसेज में कुछ कमी भी आएगी। बिल्कुल, और शिवेंद्र देखिए, क्योंकि अभी 9 जनवरी तक ही स्कूल्स को बंद किया गया है, वो भी 8वीं क्लास तक के स्कूल को बंद किया गया है, तो शायद अब आगे भी इस गाइडलाइन को अगर जारी रखा जाता है तो 9 तारीख के बाद भी स्कूल 8वीं कक्षा तक के बंद रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए वेट किया जाएगा कि जिस तारीख तक फिलहाल बंद किए गए हैं उस तारीख तक क्या कोई कोरोना के केसों में कमी आती है कि नहीं आती है। अगर कोरोना के केसों में कमी आती है तो हो सकता है कि स्कूलों को खोल दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी अब ये स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि ये भी लगातार देखा जा रहा है जगह जगह पे कि स्कूलों में जो कोरोना के केस है, आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कहीं पे, नैनीताल में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है मेगा, वहाँ 85 स्टूडेंट्स को कोरोना हुआ है। तो सरकार की चिंता यह है क्योंकि बच्चों के पास अभी वैक्सीन का भी विकल्प नहीं है, अगर बच्चों को कोरोना हुआ तो सरकार क्या करेगी। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि कोविड के केसेस का क्या स्टेटस रहता है। अगर कोरोना के केस कम हुए तो स्कूल खुलेंगे, और अगर इसी तरीके से केस बढ़े तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल स्कूल खुलने वाले हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, अगर मोटा मोटी तौर पर देखें तो कौन सी चीजें महत्वपूर्ण जो आज इस नई गाइडलाइन में आप देखते हैं? चलिए तो आपको बता दें, नई गाइडलाइन जारी हुई है, और नई गाइडलाइन जिसमें धार्मिक स्थलों के लिए, क्योंकि जो लोग प्रसाद ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, या ये जो तमाम चीज़ें हैं उनको प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि आप मास्क लगाकर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रख रहे हैं। वहीं अगर शैक्षणिक गतिविधि की बात करें तो 8वीं तक की जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है 9 जनवरी तक। और हमारे साथ विकास सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, जो जिस तरह से मामले कोविड के सामने आ रहे हैं, थोड़ी सी सख्ती अब सरकार को रखनी पड़ी, और इसी के साथ नई गाइडलाइन जारी हो गई है। बहुत सारी चीजें जो है वो बदलाव यहाँ पर नजर आया है, लेकिन मोटा अगर महत्वपूर्ण तौर पर देखते हैं तो 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं 9 जनवरी तक, और थोड़ी बहुत जो रिस्ट्रिक्शन है, राजनीतिक रैली होती है या खेल कूद हुए, सामाजिक जो शादी होती है, विवाह होते हैं, उन पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहा है। 100 एक लिमिटेशन रखी गई है, 100 लोग तक जा सकेंगे। मेगा देखिए, बिल्कुल इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सेकेंड लहर में हमने देखा था कि जो गाइडलाइन थी वो जब जारी की गई थी उससे पहले लोग कितने लापरवाह हो गए थे, और उस लापरवाही का ही परिणाम था कि जो सेकेंड वेव के अंदर जो कोरोना की स्प्रेड है वो इस कदर फैल गई थी कि उसको काबू पाना मुश्किल हो गया था। जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में अभी मौजूदा स्थिति में हालात इस तरह के बने हुए हैं, और इसी को देखते हुए सरकार ने सख्ती दिखाई है। पहले जहां पर जो 200 लोगों की क्षमता की गई थी शादी समारोह में और अन्य कार्यक्रमों के लिए, उसको घटा करके 100 आदमी को किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो जरूरत थी कि स्कूलों में सबसे बड़ा खतरा बन रहा था कि स्कूली बच्चे, क्योंकि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं हो पाया, 8 तक के बच्चे जो कि 10 से 12 साल की उम्र के होते हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में उनके लिए गाइडलाइन में जारी गाइडलाइन में 1 से 8 तक की स्कूलें जो है उनमें शैक्षणिक गतिविधियां जो है नियमित रूप से बंद कर दी गई है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जा सकती है। 9 जनवरी तक के लिए
बंद की गई है, क्योंकि अभी जो स्प्रेड फैल रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो साइड इफेक्ट है वो। तो नई गाइडलाइन जारी हुई है और नई गाइडलाइन में थोड़ी सी और सख्ती अपनाई गई है, और कारण ये कि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं वो मामले उन पर कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आप।